रेस्क्यू किया और मैं आप लोगों के लिए इस डब्बा में रखा ताकि आप लोगों को हम दिखा सके कि ये कॉमन वुल्फ और क्रेथ, कॉमन क्रेथ जो होता है बहुत ही विषैला सांप, उस दोनों में क्या अंतर है। तो आइए उसको हम लोग निकाले। कि आप लोग सब अच्छे हैं। आज मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन वुल्फ स्नेक है और इसको जो है बहुत बार लोग सोचते हैं कि ये कॉमन वुल्फ जो है ये करेथ है, कॉमन करेथ, लेकिन दोनों का सिमिलैरिटीज थोड़ा थोड़ा जो है सेम लगता है जिसके कारण लोग सोचते हैं कि ये करेथ है। लेकिन मैं आप लोगों को दिखलाना चाहता हूं कि इसका मुंडी देखिए, इसका मुंडी जो है ये कॉमन वुल्फ का मुंडी त्रिकोण है, जो इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगुलर, ठीक है। और उसके सिर से जो है सादा धारियां शुरू होती हैं और सादा धारियां आप देखिए इसका सिंगल सिंगल धारियां है और इनका धारियां भी जो है थोड़ा सा फैला हुआ है, ठीक है। अब कॉमन क्रेथ का जो है उनका मुंडी जो है त्रिकोण नहीं होता है, उसका मुंडी गोल होता है और उसका सिर से सादा धारियां शुरू नहीं होती है, उनका गर्दन से थोड़ा सा नीचे वहां से आप देखिएगा जो धारियां जो शुरू होते हैं वे जोड़ों में होते हैं, वे जोड़ों में होते हैं मेरे प्रिय मित्रों। और ये कॉमन वुल्फ जो है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कॉमन वुल्फ जो है बहुत ही थोड़ा सा छटपटिया होता है, थोड़ा सा ज्यादा छटपटिया होता है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं क्योंकि अभी जो है गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी का मौसम में क्या होता है कि ये सब सांप निकलेगा। आइए हम लोग इसका बाइट को आजमा करके हम लोग देखें। पेनफुल बाइट है लेकिन इसका कोई विष नहीं है मेरे प्रिय मित्रों, तो जरूर इसको मारिए नहीं, इसको अच्छी रीति से देख लीजिए, ये करेत नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं मेरे प्रिय मित्रों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर सचमुच आप लोगों को अच्छा लगा, जानकारी आप लोगों को प्राप्त मिला, तो जरूर इसको शेयर कीजिए ताकि हम लोग लोगों के बीच में हम लोग जागरूकता को हम लोग फैला सके ताकि लोग जो है सांप को मारे नहीं, उसको सुरक्षित अपना पर्यावरण में उसको छोड़ दे। तो आइए इसको हम लोग बॉटल में डालेंगे और इसको हम लोग रिलीज कर देंगे।